करनाल के समीप मंगलपुर के रहने वाले पीरा नामक व्यक्ति की मौत पर ग्रामीणों ने आरकेपुरम गली नंबर 13 में पुलिस कर्मचारी पवन के निवास के सामने शव को रखकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कर्मचारी पवन द्वारा गली में बैठे पीरा नामक व्यक्ति को पहले तो गली में ही पीटा, बाद में थाने ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा मृतक को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पुलिस मृतक को पिटाई करने के बाद बिना मामला दर्ज के घर छोड़ गई, जिसकी हालत इतनी बुरी थी कि अगले दिन उसकी मौत हो गई। इस मौत से गुस्साए परिजनों द्वारा पुलिसकर्मी के घर के सामने शव को रखकर नारेबाजी की गई व दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सेफ्टी के कारण पुलिसकर्मी के परिजन, उनकी पत्नी व उनकी बेटी को घर ले जाया गया, जिसको दुर्गा वाहिनी पुलिस की गाड़ी में सुरक्षित घर ले जाया गया। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलपुर निवासी की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीण व परिजन पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, जो जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही असल वजह का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अपने माता पिता के घर से आ रहा था। क्या नाम है इसका? रणबीर। आपका क्या लगता है? मेरा ये ताऊ का लड़का है। कहाँ रहते हो आप? मैं पास में रहते हैं, हम दोनों मंगलपुर सिंह राम मंगलपुर साथ में है हमारे घर। ताऊ जी हमारे यहाँ रहते हैं दलान पर मोड़ पे। तो ये अपने घर से आ रहा था वहाँ से रोटी पानी खा के, तो यहाँ कॉलोनी में चोरों चारों को रुका पड़ रहा। तो ये बेचारा चलता चलता यहाँ बैठ गया, क्योंकि ये एक टांग से पाइज है, इसकी टांग में सरिया लगा हुआ और ये प्लेटा चढ़ रही कुल्लू वाली। ये थक के बेचारे यहाँ पर बैठ गया। तो इन्होंने देखा होगा, पवन कुमार है जो थानेदार पुलिस वाला जो कोई भी है, इसकी वाइफ थी, जिन्होंने शक के आधार पर इसको पिटा, इन्होंने अंदर लेज के भी पिटा, सारे बिल्कुल ही टॉर्चर करा। ये बाजू टूटी पड़ी है, करंट लगा रहे खा दोनों बाजुओं पे, इन हाथों पे सारी बाजू टूटी पड़ी है, टूटी पड़ी बिल्कुल। थर्ड डिग्री टॉर्चर, जो कि पुलिस वाले भी थाने में नहीं कर सकते। ये मारपीट के थाने में पहुंचा दिया जी, पुलिस के वाले कर दिया। पुलिस वाले ने देखा इसकी हालत बेकार है, पुलिस वाले ने इनका मेडिकल भी नहीं कराया, ताकि पुलिस वालों का फर्ज बनता है मेडिकल कराने का। नहीं, इन्होंने पुलिस वाले ने मेडिकल कराया, इनके घर वाए फोन करा, भाई अपने लड़के को लियाओ जाके, पुलिस वाले इनके घर छोड़ गए, चंबू में छोड़ गए। तो इसके बच्चों की, इसकी घर डेथ हो गई हमारे भाई की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं देख लो इसके। यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए जी, माने इंसाफ मिलना चाहिए। उसी का घर है जिसने पिटा, पवन कुमार क्या करते हैं वो? पुलिस वाला है जी, पुलिस में है, सिपाही है, उन्होंने पता जी, माना पुलिस विभाग में है, कोई भी। लेकिन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसको टॉर्चर करा। हम तो कहते जी कार्रवाई होनी चाहिए, ये पकड़े जाना चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे? हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसको कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो अंदर नहीं होंगे, पकड़े नहीं जाते। हम अपनी डेड बॉडी का बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। क्या लगते हैं आप? ये मेरे भाई लगते हैं, ताऊ का लड़का, हम इकट्ठे रहते हैं पास में घर हमारे। क्या नाम था इनका? रणधीर सिंह है जी। कितने इनके परिवार में आदमी? चार बच्चे है जिसके। क्या क्या नाम है? ये घर आ रही है। नाम बताइए। नाम बताओ इसका। बच्चों का नाम सुनीता जी। जी घर वाली। क्या मामला है, क्या बात हुई, पूरा विस्तार से बताइए। मेरे को इस मामले का अभी आधा पौना घंटा पहले ही पता लगा है कि पुलिस वालों ने इनके हाथ मार पिटाई करी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। कौन है ये? ये कोई PCR पे किसी पद पे होंगे, ये पवन कुमार नाम है इनका। पुलिस में है ये? हाँ, पुलिस में है। तो जो भी यहाँ से ही पता लगा है मेरे को कि परसों ये पैसे जैसे आप आई जाए तो अपने ये अपने काम कुम से जहाँ से भी आ रहे थे, थोड़ी देर यहाँ बैठ गए होंगे धूप में गर्मी में, तो इनको मार पिटाई करके इनको थाने में घेर दिया गया। 2 दिन तक थाने में रखना इनके परिजनों को पता, और आज जब ज़्यादा कोई बात होगी होगी तो घर घेर के घर पे जैसे छोड़ के गए जब इनकी मृत्यु होगी। क्या नाम है इनका? इनका नाम रणधीर सिंह नाम है इनका, और गांव मंगलपुर से ही है। नहीं, जो यहाँ रहते हैं वो पुलिस कर्मचारी है, पवन नाम है इनका, जिनकी मृत्यु हुई है, इनका नाम रणधीर सिंह है। एमसी साहब, आप एक नंबर वार्ड के एमसी हैं, जब भी कोई पुलिस आती है चाहे कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, उसके वार्ड के एमसी को या सरपंच को इत्तला की जाती है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने, क्या मामला है पूरा बताइए। हमारे पास सूचना आई थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इन परिजनों का आरोप है कि किसी के पीटने से इनकी मृत्यु हुई है। अब पोस्टमार्टम के लिए इनके साथ बातचीत हो गई है, पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं, वहाँ मृत्यु का कारण पता लग जाएगा, जो कार्रवाई बनती है वो करती है। गांव वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? इनका आरोप यही है कि ये घर किसका है, उसने मारपीट की थी, जिस वजह से ये चोट लगने के कारण मृत्यु हुई है। हाँ, पति पत्नी को तो देखो यहाँ से माहौल नहीं है यहाँ रखने का, तो
यहाँ से तो निकलना जरूरी है। ठीक है।